गुस्साए ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय में दिया धरना। तहसीलदार की कार्यप्रणाली से असंतुष्ट हैं क्षेत्रवासी। गुरुवार को गुस्साए ग्रामीणों ने रैपुरा तहसील कार्यालय में धरना दे दिया। लगभग एक घंटे के लिए ग्रामीणों ने न तहसील कार्यालय से किसी को बाहर आने दिया, न किसी को अंदर जाने दिया। ग्रामीणों कस्बे के लिए स्वीकृत समुदाय भवन में आड़े आ रहे अवैध कब्जे को हटाने का आवेदन लेकर तहसील कार्यालय पहुंचे थे, परंतु तहसीलदार लगभग पौने एक बजे अपने घर से तहसील पहुंचे। जब ग्रामीणों ने आवेदन दिया तो उन्होंने बोला कि जमीन आवंटित नहीं है, पहले पंचायत आवंटित कराएं, उसके बाद देखेंगे। जब ग्रामीणों ने कहा कि पंचायत ने फरवरी में सीमांकन का आवेदन दिया और आपको मौके कई बार अवगत कराया, तो आपने सीमांकन कराकर जमीन कब्जा मुक्त क्यों नहीं कराई, तो तहसीलदार उल्टा ग्रामीणों को डांटकर अंदर चले गए। जब ग्रामीण तहसीलदार से इस मामले से बात कर रहे थे तो इसके बाद मीडिया कर्मी ने उनसे इस मामले में उनका पक्ष जानना चाहा, तो वह बिना बात किए अंदर चले गए। इस मामले में जब हमने ग्राम पंचायत से बात की तो पता चला कि 15 लाख की लागत से हरियन बस्ती के पास एक सामुदायिक भवन स्वीकृत हुआ है। पंचायत ने 7 फरवरी 2024 को तहसील कार्यालय में उक्त जमीन से जमीन के सीमांकन के लिए आवेदन दिया था, परंतु आज 6 माह बीत जाने के बाद भी किसी भी कब्जाधारी को ना तो नोटिस जारी किया है, ना ही कोई अन्य कार्रवाई हुई है। पंचायत ने जानकारी देते हुए बताया कि आवेदन भी उपलब्ध कराया एवं कहा कि कस्बे में कई जगह कब्जे हो रखे हैं जिन पर कार्रवाई के लिए आवेदन दिए गए हैं। पंचायत ने खुद नोटिस दिए, परंतु तहसीलदार ने कोई कार्रवाई नहीं की। तहसीलदार के असंतुष्ट रवैयों को लेकर जनपद सदस्य कमलेश वाल्मीकि तहसीलदार कार्यालय में बात करने पहुंचे थे, तो तहसीलदार ने जमीन आवंटित न होने की बात करते हुए तीखी बहस की, तो जनपद सदस्य ने 6 माह से कब्जा न हटाने को लेकर सवाल किया, तो तहसीलदार गुस्से में आ गए। दोनों के बीच तीखी बहस भी हुई। आप लोग यहाँ किस लिए, तहसील में किस लिए आए हुए हैं? आज हम लोग आए थे सामुदायिक भवन के संबंध में, वहाँ कुछ लोग थोड़ा बहुत कब्जा किए हैं बारी आरी लगाकर, तो श्रीमान तहसीलदार जाकर वहाँ उस कब्जा को हटवा दें। तो श्रीमान जी तहसीलदार बोल रहे हैं कि कब्जा हटाने का मेरा पावन नहीं है, कब्जा हटाएगा कलेक्टर, आप कलेक्टर पास जाइए, वो हटाएंगे कब्जा, मेरे उसमें नहीं आता दायरे में। और हम लोग करीब 2 घंटे 2.5 घंटे से यहाँ वेट किए, तब जाकर अभी 12:30 बजे आए तहसीलदार। अच्छा, रोज का ही रवैया रहता है, कब लेट आते हैं? हम मंगलवार को आए थे जनसुनवाई में, उस दिन भी मंगलवार को जनसुनवाई में नहीं थे, जब आए, जब फोन लगाए तब जनसुनवाई में आए थे तहसीलदार माओ। अच्छा, सामुदायिक भवन आया था तो वो करीब करीब 15 लाख करीब का आया है, और वहाँ पर कचरा डला रहता है हरदन बस्ती में, तो उससे क्या है कि गंदगी फैलती है, उससे लोग बीमार भी हो सकते हैं। तो जो सामुदायिक भवन आया है तो वहाँ पर निर्माण हो जाता है, तो तहसीलदार साहब बोल रहे हैं इसका, और इसके पहले हम कई बार आवेदन दे चुके मगर कोई भी तहसीलदार वहाँ पर नहीं जाते, ना कोई कार्यवाही करते। सुना एक बार पटवारी जी ने विजिट किया वहाँ पे, एक बार पटवारी जी गए हैं उनको सीमांकन करके बताया आए थे, फिर अभी फिर आए, क्लियर नहीं बताया कि कहाँ से किसका आवेदन, कहाँ से क्या होना है, किसका कब्जा है, कौन कब्जा हटाना है, कहाँ से अपना नंबर है, सरकारी जगह कहाँ पे है, ये कोई उनने कुछ क्लियर बताए नहीं।